Hello my dear students, welcome, my best wishes for you, how are you, I hope you are happy and healthy. Today's topic is transformation, superlative to comparative. Before it, you had been taught superlative to positive. Today I will teach you how to change the sentences of superlative degree into comparative. आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाएगा कि कैसे सुपरलेटिव के वार को हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, किस रूल को हम फॉलो करेंगे, किस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे, यू हैव टू नो इट. ध्यान देंगे, फर्स्ट पॉइंट के रूप में इफ द सेंटेंस इज एज अ प्योर सुपरलेटिव, यदि वाक प्योर सुपरलेटिव के रूप में, व्हाट इज प्योर सुपरलेटिव. इसके पहले जो सुपरलेटिव टू पॉजिटिव का वीडियो आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे देख लेंगे, उसमें बताया गया है कि प्योर सुपरलेटिव क्या, एक बार पुनः आपको बताया जा रहा है. प्योर सुपरलेटिव का मतलब वाक्य में किसी एक को सर्वोच्च अवस्था में दिखाया गया, वही वाक प्योर सुपरलेटिव माना जाता है. जैसा कि एग्जांपल है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास. यहां पर मोहन को सर्वोच्च अवस्था में दिखाया गया है, तो यह वाक्य प्योर सुपरलेटिव. हाउ टू चेंज द सेंटेंस ऑफ प्योर सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव, यू हैव टू नो इट. फॉर इट यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव. ऐसे वाक्यों को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए आपको इस फार्मूला को फॉलो करना होगा. फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट आपको, जैसा कि इसके पहले जितने भी वीडियो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बताए गए उसमें बताया गया था कि दो में तुलना होती है, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड. वर्ब के पहले फर्स्ट और इधर एडजेक्टिव वर्ड के उपरांत सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट माना जाएगा जो फर्स्ट वर्ड के रूप में है, नाउन के रूप में है, और इधर एडजेक्टिव वर्ड के उपरांत जितना भी है वो सेकंड माना जाएगा. तो सूत्र कह रहा, फार्मूला कह रहा, फर्स्ट पार्ट पहले लिखा जाए तो आप फर्स्ट को पहले लिखा जाए, चाहे वो नाउन के रूप में हो, प्रोनाउन के रूप में हो, अथवा किसी वर्ड के रूप में हो, चाहे जिसके रूप में, उसका वर्ब, सुटेबल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अथवा वर्ब. एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री. इसके बाद दैन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दैन का यूज निश्चित रूप से होता. उसके बाद एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, और प्लस सेकंड पार्ट पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा. यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव. अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप चलेंगे, इसको चेंज करेंगे कैसे. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मोहन है, मोहन लिखा जाए, मोहन वर्ब, वर्ब यहां इज है, इज. एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, द टॉलेस्ट वर्ड जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है. अब इसको कंपैरेटिव में चेंज करें तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसका मतलब कंपैरेटिव क्या हुआ, टॉलर. जैसे आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड रखे, तुरंत आपको दैन का यूज करना पड़ेगा. दैन
अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब आपको एनी अदर लिखना है, एनी अदर अब सेकंड पार्ट को ज्यो का त्यो लिख देना है। सेकंड पार्ट है बॉय ऑफ दिस क्लास, इस तरह से वाक कंपैरेटिव में चेंज हो गया। मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। आप इसी फार्मूला को फॉलो किए, फर्स्ट वर्ड लिखे, उसके सुटेबल जो वर्ब होगा तो ऑलरेडी जो वर्ब रहेगा वही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट को जब लिखना है तो फर्स्ट के अनुसार ही वर्ब पहले से रहे, वो वर्ब रखेंगे। एडजेक्टिव वर्ड की सीडी अर्थात कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, जैसा कि यहाँ टॉलर रखे, तुरंत दैन का प्रयोग करेंगे, उसका एनी अदर का प्रयोग करते हुए सेकंड पार्ट को पूरा ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इस तरह से वाक्य चेंज हो, ऐसा कोई भी वाक्य जो प्योर सुपरलेटिव के रूप में हो उसे आप इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट के रूप में है, इफ द सेंटेंस है वन ऑफ द, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में यदि वन ऑफ द हो तो क्या करें, कैसे इसे कंपैरेटिव में चेंज करें। जैसा एग्जांपल के लिए एक वाक्य है, आई एम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। इस सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज किया गया। यू हैव टू नो हाउ टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव। आपको यह जानना है कि अगर वन ऑफ द वाला वाक्य हो आपके सामने तो आप कैसे उसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला यही फॉलो किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, यू हैव टू नो इट। इसमें डिफरेंस होगा एनी अदर के स्थान पर मेनी अदर, अथवा मोस्ट अदर, पुनः ध्यान दें, अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला, पुनः आपको इसी फार्मूला को फॉलो करना है, लेकिन एनी अदर के स्थान पर अब इस स्थिति में जब वन ऑफ द हो तो आपको एनी अदर के स्थान पर मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर लिख देना, बस इतना डिफरेंस आपको करना। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जब इसे हम चेंज करेंगे तो यह वाक्य सही ढंग से कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसा कि देखें प्रैक्टिकल, ये सेंटेंस है, आपको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करना है कंपैरेटिव। कह रहा फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, आई प्रोनाउन के रूप में, उसका वर्ब जो है वही रहेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट था वही लिखा गया तो जो वर्ब है वही सुटेबल है, आई एम। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, एडजेक्टिव वर्ड कौन है, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव वर्ड है, सुपरलेटिव में लिखा था इसलिए मोस्ट लिखा था, तो सुपरलेटिव को हटाना है तो मोस्ट का काम ही नहीं लगेगा। अब इस इंटेलिजेंट को आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव वर्ड की सीडी हो दैन का प्रयोग करें, दैन। अब आपको बताया गया एनी अदर के स्थान पर इस स्थिति में जब वन ऑफ द हो तो आप मेनी अदर लिखें अथवा मोस्ट अदर लिखें, मेनी अदर
उसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहां से है आपको बताया गया, एडजेक्टिव वर्ड के बाद वाला भाग सेकंड पार्ट होता है, स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। तो वाक चेंज हो गया कंपैरेटिव हो गया, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर आर मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। इस तरह से जब प्योर सुपरलेटिव हो तो एनी अदर का यूज करते हुए इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, यदि वाक्य वन ऑफ द हो तो इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए एनी अदर के स्थान पर मेनी अदर को हम मोस्ट अदर लिख देंगे और वन ऑफ द रिमूव हो जाएगा। इस तरह से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में वाक्य चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए आप अलग से दो एग्जांपल देखें, जैसे he is the cleverest स्टूडेंट छोटा वाक्य है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव टू फॉलो दिस फार्मूला। फर्स्ट पार्ट ही वर्ब इज, एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, क्लेवरेस्ट का क्लेवर, ध्यान रहे द हट जाएगा, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है एडजेक्टिव वर्ड के बाद, इसलिए द का कोई काम नहीं है। ही इज क्लेवर सीडी हो गया एडजेक्टिव वर्ड का, अब देन का प्रयोग करें, देन ये प्योर सुपरलेटिव है, एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, एनी अदर। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, होगा इज क्लेवरर, ही इज क्लेवरर यहां होना चाहिए कंपैरेटिव में, ही इज क्लेवरर देन एनी अदर स्टूडेंट। इस प्रकार प्योर सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब एक उदाहरण आप एग्जांपल देखें, वन ऑफ द, जैसे सी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव टू फॉलो दिस फार्मूला। इस वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया तो यह ध्यान रहे कि एनी अदर का प्रयोग अब नहीं होगा बल्कि मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर का यूज किया जाएगा। फर्स्ट सी वर्ब वाज, एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, मोस्ट ब्यूटीफुल को जब सीडी में करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। More beautiful सीडी रखने के बाद then अब आपको वन ऑफ द होने के नाते अब मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, मोस्ट अदर सेकंड पार्ट गर्ल्स। यह सेंटेंस कंपैरेटिव में चेंज हो गया, सी वाज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। इस तरह से आपको सुपरलेटिव के वाक्यों को कंपैरेटिव में चेंज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सुपरलेटिव के वाक्यों को हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, किस स्थिति में वाक्य रहेगा तो किस स्थिति में
उस वाक को कंपरेटिव के रूप में चेंज करेंगे, ये आप जान लेंगे, अपने ग्रामर बुक के माध्यम से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट टू मी। बस आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।